सृष्टि का चक्र कैसे चलता है जानिए आज इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। जल्दी जल्दी बता रहा हूं, टाइम खराब ना हो और आपको कहानी सुनाऊं। बात 1972 की जुलाई की है। महाराज जी कैंची धाम में बैठे हैं और एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति मुस्लिम सज्जन आ रहे हैं। महाराज जी को प्रणाम किया, थोड़ी देर बैठे, किसी ने परिचय कराया कि रोडवेज के महाप्रबंधक हैं, भोपाली में पोस्टेड हैं। किसी दूसरे से महाराज जी तो परिचित थे कि महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। लगभग वो आधा घंटे बैठे, महाराज जी ने कहा जाओ, वो फिर भी बैठे रहे। 5 मिनट के बाद फिर कहा जाओ, क्योंकि महाराज जी जो ज्यादा लोग देर तक बैठे रहते थे क्या कहते थे, जाओ। भंडारे के बारे में भी क्या कहते हैं, आओ खाओ और जाओ। और वहां अगर उनके दरबार में बैठे हो तो ज्यादा देर हो गई, यानी आए हो और अब जाओ। ऐसे उनसे फिर कहा, 2-3 बार कहने पर वो उठे और वही चल दिए। सोचते रहे कि साहब हमें क्यों वहां से उठा दिया गया, हम तो बैठे रहते, हमारे पास समय था। दूसरे दिन क्या देखते हैं कि वही सज्जन आए हैं, महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं और फूट फूट कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? और तब तक उनके कमरे में जाने का समय भी हो चुका था। महाराज जी अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे। वो सज्जन, और एक गवाह है हमारे पास जो मैं बता रहा हूं, उसकी गवाही, चश्मदीद गवाह है प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी। साथ में वो आए हैं कि कमरे में केवल अलाउ सुधीर मुखर्जी थे महाराज जी के कमरे में, तो वो और वो जनरल मैनेजर जो कल जाने में हिचक रहे थे, वो आज रोते हुए पीछे पीछे चल रहे। अंदर कमरे में गए, उस कमरे में महाराज जी हैं और वो जीएम हैं, तीसरे सुधीर दादा हैं। महाराज जी, क्यों रो रहा है, क्या बात है? उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज जी, जब आपने कहा कि जाओ जाओ तो मुझे लगा कि मुझे और बैठना चाहिए, आप क्यों भेज रहे हैं मुझे? लेकिन अनमने मन से जब मैं यहां से गया तो क्या हुआ था, भीमताल में महाराज जी रोडवेज की एक बस झील में गिर गई। उसमें बच्चे थे, बड़े बूढ़े थे, बहुत सारी सवारी थी और महाराज जी बहुत लोग खत्म हो गए उसमें, बहुत बच्चे खत्म हो गए हैं। अब हम महाराज जी, अगर बड़े बूढ़े खत्म हो जाते तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चे खत्म हुए इसका हमको बहुत कष्ट है। मैं समझ गया आपने हमें क्यों जल्दी भेजा था, क्योंकि मुझे तो उधर ही जाना था और जब कोई घटना हुई तो हमें पहुंचना चाहिए था। हम वहां पहुंच भी गए, लेकिन अब हम बहुत परेशान। महाराज जी सांत्वना देते हैं, वो कहते हैं कि सृष्टि का चक्र आने जाने से ही चलता है, जो आया है वो जाएगा, बड़ा हो बूढ़ा हो कैसा भी हो उसे जाना पड़ेगा, जब उसका समय पूरा हो गया चला जाएगा। उन्हें कुरान से, गीता से, धर्म ग्रंथों से बड़े उदाहरण दिए। उसने सुधीर दादा देख रहे थे कि जे विषयों पे तो बोलते नहीं थे, लेकिन आज महाराज जी इसको तो बड़ा समझा रहे हैं। वो परेशान होता है, लेकिन जब सब बातें सुन लेता है तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि अपनी बात से सहमत होते हुए, महाराज जी की बात को सुनते हुए अपने आप में कुछ रिलीफ महसूस कर रहा है। महाराज जी ने समझाया ना। सुधीर दादा लिखते हैं कि महाराज जी ने इस तरह समझा दिया कि वो व्यक्ति संतुष्ट होके वहां से चला गया। महाराज जी ने समझा दिया कि भाई आना जाना सृष्टि का चक्र है, पत्ते आते हैं ना पेड़ पर तो झड़ जाते हैं, नए आ जाते हैं, इन सबको अगर आप अपनी दृष्टि से देखें तो आपको लगेगा कुछ गड़बड़ हुआ है, वरना ये भगवान ऊपर बैठे ना, वो सब कुछ ऑपरेट कर रहा है, जो जब होना चाहिए तभी हो रहा है।
है ना। तो कभी भी परेशान मत होइएगा, सृष्टि के चक्कर में हमको चलना है, आप भी चलिए मेरे साथ, चल पड़े।